नागपुर। महाराष्ट्र नागपुर के जामठा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अस्पताल के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की। अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उद्योगपति गौतम अदानी और अन्य लोग मौजूद रहे। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अस्पताल का पूरा निरीक्षण भी किया। विदर्भ के क्षेत्र में खोले गए इस कैंसर अस्पताल के खुलने से काफी बड़ी आबादी को इसका लाभ होगा। इस अस्पताल से कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिकतम तकनीक प्रयोग की जाने की बात कही गई। मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सपना देखना और उसे पूरे करने में काफी अंतर होता है, लेकिन संकल्प पक्का हो तो ये पूरा होता है और यदि टीम बनाकर काम किया जाए तो जल्दी पूरा होगा। संघ के स्वयंसेवक जब ऐसा काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी न कभी होता है, और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। उन्होंने कहा कि ये जो आत्मीयता है, अपनापन है, वह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आदमी दूसरों की चिंता करता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का प्रयास है कि सबसे उत्तम इलाज यहाँ पर उपलब्ध हो। यहाँ पर गरीबों की सेवा होगी, उत्कृष्ट इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि टीम अच्छा काम कर रही है और आगे भी ऐसा होना चाहिए। इस अस्पताल में पहले से यह प्रण किया है टीम ने कि सबसे उत्तम जो उपलब्ध है वो रुग्णों को मिलना चाहिए। खर्चे का काम है, लेकिन वो खर्चा लेकर भी करना है। गरीब रुग्णों की चिकित्सा निःशुल्क करनी है अथवा बहुत कम शुल्क में करनी है, लेकिन वो सारा खर्चा लेकर करना है, उत्कृष्ट ही करना है। उत्कृष्ट से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना। मोहन भागवत ने कहा कि यदि सभी लोग कैंसर जैसे बीमारी के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएं तो विजय निश्चित है। अंत में आरएसएस प्रमुख ने अस्पताल के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा भी की। नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं छोटा था तब मेरे पिता का कैंसर से देहांत हो गया था। तब मैंने मुंबई में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट पर काफी दबाव देखा। फडणवीस ने कहा कि तब से हम लोगों के मन में इस प्रकार के संस्थान खोलने का विचार था। उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाने में संघ की भी प्रेरणा रही है। 25-30 साल पहले एक स्वप्न हम लोगों ने देखा था कि नागपुर में और मध्य भारत में एक बहुत अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट बने, और विशेष रूप से आज जिस प्रकार से टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट देश भर के लोगों की सेवा करता है और जिस प्रकार से कैंसर केयर में टाटा ने अत्यंत सुंदर काम किया है, तो हम लोगों को लगता था कि उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर हम लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार करें जो मध्य भारत में टाटा का काम थोड़ा कम कर सके। फडणवीस ने कहा कि कैंसर लंबी बीमारी होती है और इसमें खर्चा काफी आता है, इसलिए गरीबों की सहायता के लिए यहाँ पर काफी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए भी यहाँ पर इलाज के लिए खास व्यवस्था होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर के आशीर्वाद से काम पूरा हुआ है। फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार के पीएसयू ने भी इसे पूरा करने में हमारी मदद की है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा प्रयास है कि दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक यहाँ पर उपलब्ध हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के स्तर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ हम लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे और विश्व स्तर पर रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनेगा। मुझे याद है कि विदर्भ में जब भी किसी को कैंसर होता था तो मुंबई जाना पड़ता था, टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था, और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहां रहना ये काफी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। और इसलिए मैं देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम करने वाले इस पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। फडणवीस के काम की सीएम शिंदे ने भी तारीफ की। एकनाथ शिंदे ने मौजूद लोगों को इस अस्पताल के लिए शुभकामना भी दी। इसके साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सहित बाकी सभी लोगों के प्रयास की सराहना की, जिसकी वजह से यह अस्पताल बन पाया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी इस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन वो नहीं जा सके, और इस दौरान उनकी बात पढ़कर लोगों को बताया गया। अमित शाह की ओर से कहा गया कि उन्हें आना था, लेकिन आकस्मिक कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए। शाह की ओर से कहा गया कि ये दो दशक पहले देखा सपना आज पूरा हुआ है। बताया गया कि शाह ने कहा यह संतोष का विषय है कि इलाज कम दरों में उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का भी यह सपना है, सेवा का काम निरंतर किया जाता रहे, यही हमारी कामना है। इस अस्पताल को बनाने में ONGC, कोल इंडिया, NTPC ने काफी मदद की। रिलायंस फाउंडेशन, अदानी फाउंडेशन तथा अन्य का भी अस्पताल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में शैलेश जोगलेकर, सुनील मनोहर, डॉक्टर आनंद पाठक भी मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि यह अस्पताल 7.5 लाख स्क्वायर फुट में बना है।
यहाँ पर कैंसर के लिए उपलब्ध सभी उपचार को लाने का प्रयास किया गया है। साउथ ब्लॉक डिजिटल की रिपोर्ट।